बोला हिंदुस्तान सर वायरल वीडियो। इस शख्स ने जो कहा, जिस लिहाज में कहा, जिस लहजे में कहा, जिसके लिए कहा, उसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठेगा। इसने देश को गाली और वीडियो बनाने वाले को खुली धमकी दी, धमकी कि जो करना है कर लो, वीडियो वायरल करना है कर दो। लेकिन ये भूल गया कि जो कुछ इसने कैमरे पर कहा है उसे कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा, और ऐसा हुआ भी। बोला हिंदुस्तान वीडियो। देश को गाली देने वाले शख्स का वीडियो अंकित दुबे नाम के ट्विटर यूजर ने पोस्ट किया और लिखा, यह नसीम पुत्र रजय जौनपुर का रहने वाला है, हिंदुस्तान को गाली और वीडियो बनाने वाले को धमका रहा है, जो करना है कर लो, इसे हिंदुस्तान का मतलब समझाने का कष्ट करे। अंकित दुबे ने वीडियो यूपी पुलिस, जौनपुर पुलिस के अलावा बीजेपी प्रवक्ता शलभमणी त्रिपाठी को टैग किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। जौनपुर पुलिस ने ट्वीट कर लिखा, प्रभारी निरीक्षक मछली शहर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त व्यक्ति के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस हिरासत में लिया गया है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनाब पर पुलिस ने एक्शन लिया तो इसकी सारी हेकड़े निकल गई और इसे हिंदुस्तान का मतलब कुछ ही वक्त में समझ आ गया। अब यही हिंदुस्तान के बारे में क्या कर रहा है, जरा वो सुन लीजिए। मोहम्मद नसीम, पिता का नाम रमजान, सादीगंज मोहल्ला मछली शहर थाना जिला जौनपुर। हिंदुस्तान के लिए अनजाने में कल हमसे अपशब्द का उपयोग हो गया, जिसके लिए पूरे देशवासियों से हम क्षमा मांगते हैं। हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान का नमक हम खाते हैं, इसके लिए पूरे देशवासियों से निवेदन है, हमें माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। माफी मांगते आरोपी का वीडियो बीजेपी प्रवक्ता शलभमणी त्रिपाठी ने ट्वीट करते हुए लिखा, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। यकीनन कुछ लोग देश के खिलाफ बोलकर खुद अपनी मुसीबत बढ़ा लेते हैं, और ऐसा ही इस शख्स ने किया, जिसकी सजा अब इसे भुगतनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे।